हम अपने हमारा मानदेय बढ़ाने की मांग है। हमारे सरकारी कर्मचारी करने का घोषित करने का उन्होंने अपने ज्ञापन में दिया था, 120 दिन का समय दिया था, लेकिन आज सरकार को आए कम से कम 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन सरकार को कोई हमारी आंगनवाड़ियों का किसी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमने ये धरना प्रदर्शन 2 महीने तो हमने बराबर क्या काम करती होगी जो आपका मानक देय बढ़ा दिया जाए, आपके हम सरकार के जितने भी काम हैं हम सारे कार्य करते हैं। सरकार के जो भी कार्य आता है इस योजना में, BLO का है, पोलियो का है, टीकाकरण है, जो भी जितना भी काम आता है हम सारा काम सरकार के करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार हमारे हित के लिए कुछ भी नहीं सोचती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलका सिरोही है। अभी अलका सिरोही ने बताया कि जो सरकार के अंडर में जितने भी काम आते हैं हम सभी बहनें करती हैं मिलके, तो आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन दे रही हैं? हमारी मांग है सरकार से, एक तो वो हमें सम्मानजनक मानदेय दे, जितना वो हमसे काम कराती है सरकार उसके एवज में मात्र सेंटर गवर्नमेंट की बात करें तो 3,000, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो मात्र 1,000, और जब काम की बात आती है तो तमाम काम हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं। लगा के BLO से इंद्रधनुष ले लो, वजन की रिपोर्ट ले लो। इस बार जब हम लोगों ने वजन की रिपोर्ट नहीं दी तो कुपोषण इतना बढ़ाकर रिपोर्ट ऊपर गई और ये लोग औसत जो निकलता था उसको नहीं निकाल पाए। जब ये जानते हैं कि आंगनवाड़ियों से इतना काम लिया जा रहा है तो उसके एवज में जो सुविधाएं हैं वो नहीं देते हैं। दूसरी बात, जिसके लिए हमें इन्होंने रखा था, जो मेन मुद्दा था कि छोटे बच्चों की देखरेख, 0 से लेकर 5 साल तक के बच्चों की देखरेख के लिए हमें नियुक्त किया गया, लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि जो हमें पुष्टाहार दिया जाता है। आप आंगनवाड़ी में काम करते हैं या आशा वर्कर हैं आप? हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। मैं आपको बताऊं कि आज स्थिति ये है हमारे सेंटरों की कि हमको बैठने के लिए ना तो चेयर देते हैं, ना जो भी स्टेशनरी का काम है एक कागज तक हम लोगों को नहीं देते हैं ये लोग। और जब ये अधिकारी आते हैं कहाँ इनको बिठाएं? ऊपर से हमारा शोषण इस तरह से होता है कि लगा के नीचे से ऊपर तक बेहद इंतहा हो गई है शोषण की। हम इतने गुस्से में हैं कि जो हमारा मेन काम था उसको अलग हटाकर दुनिया भर के काम हम पर थोप दिए गए। जब हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो सरकार हमारा मानदेय बढ़ाए, हमारी जो मेन सुविधाएं वो हमें दे। जो छोटे बच्चे हैं, अब आप देखिए जो विंटर वैकेशन, जो छुट्टियां पड़ी थी सर्दियों की, तमाम इंटर कॉलेज तक छुट्टियां पड़ी, लेकिन क्या जो नवजात शिशु हैं 0 से लेकर हमारे सेंटर पे जो बच्चे 3 से 5 साल तक वाले बच्चे आते हैं उनकी क्या उनको सर्दी नहीं लगती? सरकार ये क्यों नहीं तय करती है कि जब इतने बड़े बच्चों को ठंडी लगती है या गर्मी लगती है तो इन नवजातों को भी गर्मी लगती है? ना तो उनके कोई बैठने की व्यवस्था है, ना कभी कोई फर्श देते हैं ये लोग। चेयरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई जो भी मतलब ऐसी कोई सुविधा नहीं है हमारे पास कि हम उन बच्चों की देख रेख बहुत अच्छे से कर पाएं। वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों से लाते हैं चीज, उन बच्चों की देख रेख हम बिल्कुल अपने शिशुओं की तरह करते हैं। पहले जब इतना काम नहीं था आंगनबाड़ियों के पास, अब जो पहले शिक्षा मित्रों को काम था ये BLO वाला काम शिक्षा मित्र करते थे, उन्होंने मतलब धरना प्रदर्शन करके और ये सब उन्होंने खत्म कर दिया। जो शिक्षा मित्रों को और शिक्षा उनके लिए काम था वो सब आंगनबाड़ियों को सौंप दिया गया है। जैसे ये BLO है, जनगणना है और टीकाकरण है और अब ये राशन कार्ड बन रहे हैं, इसमें भी आंगनबाड़ियों की ड्यूटी लगा दी गई है। तो आप बताइए, सुबह 9 बजे 8 बजे केंद्र पर जाती हैं, 2 बजे तक रहती हैं, अपने घर का काम करती हैं और उसके बाद फिर शाम को आके करती हैं। तीसरे दिन ऑफिस में बुलाया जा रहा है कि आज उस चीज़ की मीटिंग है, आज उस चीज़ की। और दूसरा, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि हर कॉपी की मतलब जो भी लेटर मिलता है इसकी फोटो कॉपी करा के ले आओ। जब काम रोक दिया जाए, ये शोषण रोक दिया जाए हमारा।